हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, वॉयल्स लॉ, वॉयल का नियम। तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम इनसे रिलेटेड है और ये प्रूव करता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल, बिकॉज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। समझे बच्चों कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की गिवन अमाउंट का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यही है वॉयल्स लॉ। समझ गए बच्चों कि स्थिर ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को बोलते हैं वॉयल्स लॉ। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि इस तरह की एक ट्यूब है जिसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और ये है गैस का मान लो वॉल्यूम वी वन, यहाँ पर क्या है गैस, और उस समय जो प्रेशर है वो है पी वन। आप अब क्या करें कि हम इस प्रेशर को इंक्रीज करके पी टू कर दें, means P2 greater than P1, तो आप देख रहे हैं कि V1 decrease हो के कितना हो गया V2, means V2 less than क्या हो गया V1, तो यही तो law कहता है। तो इस तरह से at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure। तो इस तरह से और आगे हम इस तरह से V equal to K upon P, जहां K एक constant है। अगर हम एक आइडियल गैस इक्वेशन में देखते हैं तो P इज इक्वल टू होता है NRT, तो K इज इक्वल टू हम NRT भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट होते हैं, गिवन अमाउंट फिक्स होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया है इसलिए सारा कांस्टेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे K। तो PV is equal to K और ये प्रूव करता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है गैस के लिए वो कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, ताकि इनका प्रोडक्ट क्या बना रहे कांस्टेंट। मीन्स जैसे हम देखें 2 × 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब मान लो हम इसे 4 कर दें तो ये 2 होगा, तो भी ये इस तरह से 8 बना रहेगा। तो ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करता है कि P1V1 इज इक्वल टू क्या होगा P2V2। इस तरह से P2V2 इज इक्वल टू क्या होगा P3V3। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे और इसी के बेस पर हम जो है आगे क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। वहां पर आपको 2 प्रेशर्स दे रखे होंगे, 1 वॉल्यूम दे रखा होगा, तो आप एक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 2 वॉल्यूम्स दे रखे हों, 1 प्रेशर दे रखा होगा, तो एक प्रेशर नेक्स्ट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस रिलेशन से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यही है वॉयल्स का लॉ। समझ गए बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। यहां P क्या है प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि गिवन अमाउंट का दे रखा है, और इस तरह से K है NRT के बराबर। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट है P वर्सेस V, यहां पर आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू K, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है और इससे जो हमारा ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक है। यहाँ पर अगर हम P ले लें, यहाँ पर V ले लें, तो ये प्रूव करता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेके कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट बना रहेगा, तो इस तरह से ग्राफ आता है। मां यहां पर अगर हम देखें कि ये है P1 प्रेशर, तो वॉल्यूम है V1, प्रेशर P2 कर दें तो वॉल्यूम है V2, तो इस तरह से P1V1 इज इक्वल टू क्या बना रहेगा P2V2, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब अगर हम यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो ये एक लाइन आ रही है। अब आप यहां पर आप सॉरी इस तरह का एक ग्राफ आ रहा है। अब हम टेम्परेचर चेंज करें तो पी और वी के ग्राफ्स जो होंगे वो सेम यही रहेंगे, बस ये है कि इनका पीवी प्रोडक्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा कि इस तरह से उसी प्रेशर और वॉल्यूम में जहां पर T1 पर ये प्रोडक्ट आ रहा था PV, तो इसी
टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उनका पीवी प्रोडक्ट दूसरा आएगा फिर, और क्यों, क्योंकि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी। तो इस तरह के ही ग्राफ्स आएंगे, बस ये है कि इनका पीवी प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, समझ गए। फिर हम आ जाते हैं पीवी और वी के बीच में, तो आप जानते हैं कि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि वी या पी कुछ भी इंक्रीज करें, हम यहाँ पर पीवी और वी के बीच में लें या हम यहाँ पर पीवी और पी के बीच में ग्राफ लें, आप देखोगे कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वी डिक्रीज होगा और इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट बना रहेगा, तो ये वैल्यू तो इंक्रीज होगी नहीं, केवल क्या इंक्रीज हो रहा है, पी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पी के पैरेलल दिख रही है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो भी लाइन इसी तरह की आएगी, लेकिन बस ये है कि अब प्रोडक्ट पी भी ज्यादा आएगा क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी भी, जो इस तरह से यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है, यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ये वाला ग्राफ लेते हैं कि P वर्सेस 1 अपॉन V, क्योंकि हम रिलेशन भी जानते हैं कि P is equal to K, ठीक है, अपॉन V means Y is equal to क्या है mx, means यहां पर हम P लें और 1 अपॉन V को x एक्सिस में लें, समझ गए। तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन पॉइंट से जा रही है और इसका जो स्लोप है वो क्या है, K है। तो ये तो हो गया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर केवल पी और वी के बीच में। अब मान लिया जाए कि आपको इस तरह का एक ग्राफ दे रखा है जिसमें आपको ये टेम्परेचर चेंज कर रखे हैं T1, T2, T3। पूछा जाता है कि इसमें T1 सबसे हाई है या T1 सबसे लो है, तो आपको इस तरह के ग्राफ में कैसे पहचानना है, तो आप क्या करें कि कोई एक कांस्टेंट कर दें, पी को कांस्टेंट कर दें या वी को। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर वी को कांस्टेंट कर रखा है, यहाँ पर क्या है वी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और पी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में ये आ रही है P1, इस ग्राफ के लिए आ रही है P2, इस ग्राफ के लिए आ रही है P3, और आपको दिख रहा है सीधा है कि P1 से ज्यादा है P2 और उससे ज्यादा है P3, मतलब P1 से ज्यादा कौन दिख रहा है P2 और P2 से P3। और अब हम जानते हैं कि P और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब है कि जिसका P ज्यादा उसका T ज्यादा, तो इसका आप यहां देखें कि P3 सबसे ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो T3 है वो सबसे ज्यादा होगा, तो इस तरह से T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा क्या होगा T3। तो ये ग्राफ आएगा, सॉरी ये रिलेशन निकलेगा कि इस तरह से P3 ग्रेटर देन P2, P2 ग्रेटर देन P1, तो इस तरह से T3 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1। क्यों? क्योंकि P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस ऑर्डर में P इंक्रीज होगा उसी ऑर्डर में T इंक्रीज होगा। तो इस तरह से बहुत इजी गोइंग समझ सकते हैं कोई एक वैल्यू को कांस्टेंट कर, यहां पर मैंने V कांस्टेंट करके P के रिलेशन के बेस पर रिलेशन बता दिया। अब यहां पर मान लो मैं P को कांस्टेंट कर दूं और V का वेरिएशन करूं, तो देखो यहां पर 1 अपॉन V3, 1 अपॉन V2, 1 अपॉन V1। तो यहां पर ध्यान रखें कि V जहां हाई होगा वहां 1 अपॉन V लो होगा, इसका मतलब है कि V3 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तभी तो इसका 1 अपॉन V3 सबसे लोवेस्ट है, फिर V2, फिर V1। तो आप देख रहे हैं V1 सबसे कम है इसलिए 1 अपॉन V सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इसके प्रेशर के बेस पर देखें कि यहां पर V3, V2, V1 में सबसे बड़ा कौन सा है V3, क्योंकि V3 और या हम ये कहें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T, ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा V उतना ज्यादा T। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा V3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग में सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा T3, और ये यहां से भी प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप ग्राफ के किसी भी पॉइंट से कोई, ये अगर आपको ये इस तरह से वेरिएशन दिख रहा है तो इस वेरिएशन के बेस पर आपको टेम्परेचर के रिलेशंस देखने हो तो आप इस तरह से किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट करके और उसके करस्पॉन्डिंग में या तो प्रेशर कैलकुलेट कर लें या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, फिर टेम्परेचर का रिलेशन बता दें। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम
एक और ग्राफ में आते हैं, P वर्सेस 1/V, ये है डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस कि मान ये है कि ये अमाउंट्स है W1, W2, W3, तो ये ग्राफ तो इसी तरह के आएंगे जो एक सिंपल आता है P और 1/V के, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्लोप्स अलग अलग होंगे। मान लो ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 है तो ये थीटा 3 है। अब आपको ये इनका रिलेशन बताने हैं कि इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन हाईएस्ट होगा, कौन लोवेस्ट वैल्यू में होगा। तो आपको क्या करना है, v को कांस्टेंट, यहां पर देखो मैंने यहां पर क्या कर रखा है, v को कांस्टेंट कर रखा है, एक ही वैल्यू 1/v पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली और यहां पर p1 p2 p3 कैलकुलेट किए। अब आपने देखा कि ये जो p1 से ग्रेटर देन, आप देख रहे हैं कि p1 से बड़ा है, p2 p2 से ज्यादा है क्या p3, और अब एक रिलेशन होता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W, जितनी ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा प्रेशर गैस का, तो जब प्रेशर इंक्रीजिंग लेवल पे होंगे तो उनके करस्पोंडिंग जो W1, W2, W3 हैं वो भी उसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप देख रहे हैं कि P3 के करस्पोंडिंग में क्या है, W3, तो चूंकि P3 हाईएस्ट है तो W3 भी हाईएस्ट होगा। तो इस तरह से W1 से ग्रेटर देन क्या है W2 और W2 से ग्रेटर देन क्या है W3, तो इस तरह से ये रिलेशन बता सकते हैं। जस्ट ऐसा ही रिलेशन इस बेस पर भी निकाल सकते हैं। अब आप यहां पर किसको कांस्टेंट कर रखा है, मैंने यहां पर P को कांस्टेंट कर दिया और अब हम V की वैल्यूज देखते हैं। तो यहां ध्यान रखें कि V1 V2 V3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, V3, क्योंकि V जब हाई होगा तो 1/V लो होगा, तो सबसे लोएस्ट 1/V3 है, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है V3, तो V3 के करस्पोंडिंग में अमाउंट क्या है W3। अब ये हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W, तो इसका मतलब है कि जब V हाई होगा तो W भी हाई होगा, तो W1 से ग्रेटर देन क्या है W2, W2 से ग्रेटर देन क्या है W3, तो इसी तरह से V1 से ग्रेटर देन V2 और V2 से V3 ग्रेटर देन होगा। तो इस तरह से आप इस ग्राफ से भी ये बता सकते हैं कि क्या रिलेशंस होंगे W1, W2, W3। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कंपटीशन में जिसमें आपको ये इस तरह का ग्राफ बना होगा, पूछेगा कि W1, W2, W3 इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, या T1, T2, T3 में क्या रिलेशन आ रहा है। तो इस तरह के ग्राफ में कोई एक कांस्टेंट करके और फिर P और V, T और W इनके रिलेशंस के बेस पर आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। ये जो मैंने PB का T और V से रिलेशन बताया है, ये PB=nRT के बेस पर देखेंगे हम। तो इस आधार पर ये मैंने इस बेस पर आपको ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बताया, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, वॉइस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 लीटर ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 लीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए ना बच्चों कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 500 लीटर आयतन एवं 1 bar दाब पर गैस के आयतन को 200 लीटर करने के लिए क्या दाब जरूरी होगा। तो देखो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, P1, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 1 bar, V1 इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है 500 लीटर, P2 ये हमें कैलकुलेट करना है, V2 कितना दे रखा है आपको 200 लीटर। बस अब आप रिलेशन लगाएंगे P1 V1 = P2 V2, तो P1 1 bar वॉल्यूम 500, P2 कैलकुलेट करना है V2 200, तो P2 = क्या हो जाएगा 500/200, मतलब 5/2 means 2.5 bar। तो इस तरह से P2 की वैल्यू आएगी 2.5 bar। तो क्यों, क्योंकि ये दोनों के प्रोडक्ट्स तो कांस्टेंट हैं, बराबर रहेंगे, तो इस तरह से ये प्रेशर हमने कैलकुलेट किया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थिन ग्लास वाल्व ऑफ 100 ml कैपेसिटी इज एवैक्यूटेड, मतलब वैक्यूम्ड है, बिल्कुल खाली है, एंड कैप्ड इन
20 लीटर कंटेनर, समझ गए ना, एक कंटेनर है 20 लीटर का, उसमें रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड उसका प्रेशर है 800 mm. इफ बल्ब इम्प्लोड्स, मतलब तोड़ दिया जाए, अब बल्ब को तोड़ दिया तो पूछ रहा है कि अब गैस का प्रेशर क्या होगा। तो देखो इस तरह से समझना है, हम ये समझें कि हमारे पास ये है 2 लीटर कंटेनर, 20 लीटर से 20 लीटर क्या है कंटेनर, तो 20 लीटर कंटेनर बल्कि मैं 2 लीटर कंटेनर कर दूं बच्चों, तो बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर 2 लीटर कंटेनर, ठीक है। इसमें एक बल्ब रखा हुआ है इस तरह से जिसका वॉल्यूम है 100 ml और बिल्कुल एवैक्यूटेड है, तो एक्चुअल में ये जो ये तो वॉल्यूम किसका है कंटेनर का है, समझ गए ना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, तो आप 2000 ml था टोटल कंटेनर का वॉल्यूम, 100 ml तो उसमें ये है ग्लास वर्क, ये क्या है इसके अंदर ग्लास वर्क जो कि बिल्कुल एवैक्यूटेड का मतलब है कि वैक्यूम है, इसके अंदर क्या है वैक्यूम है, कोई गैस नहीं भरी, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो V1 है वो कितना होगा 100 ml, क्योंकि इतना तो वैक्यूम हो गया उसके अंदर, मतलब उस बल्ब होने के बाद 2 लीटर कंटेनर में गैस का वॉल्यूम एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो यही इसका क्या निकलेगा गैस वॉल्यूम इसमें से हटा। फिर वो कह रहा है कि आपने इसको तोड़ दिया, आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये हट गया, अब जो वॉल्यूम होगा V2 वो कितना हो जाएगा 2000 ml, समझ गए ना, अब क्यों, क्योंकि बल्ब तो हट गया यहां से तो पूरे में गैस कवर्ड हो गया, तो अब वॉल्यूम हो गया V2। यहां पर जो P1 था वो कितना है 800 ml, तो यहां पर P2 क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, तो P1 आपने देखा ये है 19 यहां पर है V1 है 1900, P1 है 800 ml, सॉरी यहां पर क्या होगा ये mm है, तो ये हो गया mm, V2 जो है वो हो गया 2000 ml, ठीक है, तो P2 क्या है ये कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे 1900 into 800 is equal to, यहां पर हम देख लें कि 2000 ml into P2, तो P2 is equal to 1900 into 800 upon 2000, बस इसको आप सॉल्व कर लें तो ये जो प्रेशर आएगा वो mm में आ जाएगा। अब उसे atm में चेंज करना है या पास्कल में चेंज करना है, क्वेश्चन किस तरह का है उस हिसाब से चेंज करना है, तो यहां तक बात समझ गए होगे आप इसे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैलून है जो आइडियल गैस से फिल्ड किया गया और किसकी सरफेस पर है, सी सरफेस पर, ये क्या है सी सरफेस, ओके। अब इस बैलून को बोल रहा है कि उसको 100 मीटर नीचे डेप्थ में ले जाया गया, मतलब यहां से बैलून को दबा के हम इस 100 मीटर वाटर लेयर के नीचे ले जा रहे हैं, तो अब पूछ रहा है कि यहां का जो बैलून है इसका जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम का क्या परसेंटेज रखेगा, समझ गए बच्चों कि एक गुब्बारे में आदर्श गैस भरी गई और इस सतह से समुद्री सतह से 100 मीटर नीचे ले जाया गया, तो पूछ रहा है कि जो अब गुब्बारा है गुब्बारे का जो अब आयतन है वो प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष क्या रहेगा। तो देखो हम इस तरह से सोचें, यहां बैलून रखा है सरफेस पर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180 m, 180 m is equal to the 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, समझ गए ना 180 m मतलब, तो यहां पर प्रेशर P1 तो कितना हो गया, यहां पर अगर आप देखें तो हम यहां पर ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या है P1 और वॉल्यूम हम V1 को कितना मान लें V, मान लिया जैसे पूरे वो जो बैलून है इसका जो वॉल्यूम है वो है V और प्रेशर हो गया 180 m मींस इतना पास्कल। अब हम उसको उठा के जब 100 मीटर नीचे ले जाएंगे तो अब जो P2 होगा फाइनल प्रेशर, ठीक है ये क्या है फाइनल प्रेशर ऑफ बैलून, समझ गए ना, तो अब वो कितना होगा, तो देखो इनिशियल प्रेशर अर्थात यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है
मींस यहां पर जो सरफेस है, सरफेस पर गैस का या वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर था 1 atm है, और प्लस हम यहां प्रेशर ऑफ 100 मीटर वाटर लेयर और ऐड कर देंगे कि 1 atm तो था ही, इसके अलावा इस 100 मीटर वाटर लेयर का प्रेशर कितना हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P2। तो हम वाटर का प्रेशर कैसे काउंट करें 100 मीटर लेयर का, तो फॉर्मूला लगाएंगे HDG। H हो गई हाइट 100 मीटर में, D हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर इसकी यूनिट है मीटर, ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ये है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पास्कल में आंसर आया 9.8 × 10⁵ पास्कल। ये है 100 मीटर जो थिक वाली लेयर है वाटर की, उसका प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर का लेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm की वैल्यू पास्कल में ये होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये वाटर लेयर का प्रेशर हो गया, दोनों को सम किया हमारे पास आया 10.81 × 10⁵ पास्कल। फिर हम P1V1 = P2V2 का कैलकुलेशन करेंगे, तो P1 इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, P2 फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम। तो V2 आया 0.093, तो परसेंटेज अब V2 निकाला इनिशियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो V2 कितना वॉल्यूम मिला, इनिशियल क्या था × 100, तो ये आया 9.3%। मतलब है कि जो भी वॉल्यूम इनिशियली रहा होगा तो उसका ये वॉल्यूम कितना होगा 9.3। अगर इनिशियल 100 लीटर रहा होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा 9.3 लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी दे रखे हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें। तो ये क्लियर हो गया हमारा वाइल्स लॉ के बारे में, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है डेंसिटी ऑफ गैस को कैलकुलेट करने में, समझ गए ना, गैस की डेंसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो वो हम एप्लीकेशंस आगे एक साथ सारे लॉस एक साथ लेंगे और उनमें हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो यहाँ तक ये था वाइल्स लॉ के बारे में, ये कम्प्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लॉ में मिलेंगे जिसमें हम लेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो उस तब के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।